सक्सेस तो बहुत छोटी चीज है, सेटिस्फेक्शन बड़ा है। जिस वक्त जीवन में लगने लगे कि अब बहुत हो गया, आदमी चाहिए, वो सक्सेस है। और बहुत कुछ पाने के बाद भी ये लगे कि और चाहिए, तो इस सक्सेस के कोई मायने नहीं है जब तक सेटिस्फेक्शन ना आए। ऐसे लोग सब कुछ पाके भी गवा देते हैं। जैसे ये जो कह रहे हैं, आपने 2 साल अपनी तैयारी में अच्छा लगा लिया, 3 साल लगा लिया, आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अलग कुछ करना है कि भाई ये 3 साल लेकिन आप कम वक्त है। जैसे सरकारी नौकरियों की हालत है, आजकल 3-1 साल तो एक बार पेपर देने में लग जाती है, लग जाती है कि नहीं पेपर दो, फिर वो पेपर लीक हो गया, एक दो बार कोर्ट जाएगा। लेकिन ये मान के चलो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले IAS की तैयारी की, 32 साल तक कुछ नहीं हुआ। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब PCS करते हैं, बूढ़े हो गए बुरी तरीके से, दाढ़ी सफेद हो गई है, छाती के बाल सफेद हो गए, लेकिन अब PCS करेंगे। भाई अगर एग्जाम निकलना है, कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। जिसके एग्जाम निकलने होते हैं, कभी फ्री निकलता है उसका, कभी कुछ और निकलता है, तो निकल जाता है कि ये बंदा कर लेगा। अब आपका 4 साल की तैयारी के बाद फ्री नहीं निकल रहा, तो छोड़ देनी चाहिए तैयारी। इसका मतलब आपको ये पता ही नहीं चल रहा, आप इन 4 सालों में यही नहीं देख पा रहे कि आपकी गलती का है। अगर आप एक तो लेवल क्रॉस कर रहे हो तो लगता है, पता लग जाता है हमें कुछ है कि इस बार इस गलती से नहीं हुआ, अगली बार तो मैं फ्री में इससे ज़्यादा स्कोर लेके आऊँगा। सर मौत में आप 50 से 50 से आते मैं सुनता रहा हूँ एग्जाम में। सर क्वेश्चन वही क्वेश्चन बात बनाता हूँ तो सर बन जाता है, जबकि आप खड़े हो गए कभी कहा था कि आप नर्वस हो जा रहे, जैसे आप यहाँ पे हो गए। तो इसका डर निकालने के लिए तो आपको अपनी तैयारी का लेवल और बढ़ाना पड़ेगा, और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, टाइम लिमिट में सवाल करने पड़ेंगे। आपके साथ वही दिक्कत है कि आपको आता है लेकिन आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। हो सकता है आप एग्जाम की रात ठीक तरीके से सो नहीं पाते, कई बच्चे रात में पढ़ने की आदत डाल देते हैं, पेपर की रात में सोचते नींद आ जाएगी, नहीं आती नहीं, फिर सुबह वो चिड़चिड़े रहते हैं, पेपर में भी दिमाग काम नहीं करता। कई बार आप देखते हैं दिमाग अच्छा है तो सवाल तुरंत हो जाते, नहीं है तो बिता रहे, आप आज नहीं है। मन पे भी डिपेंड करता है कि मूड कैसा है। मूड ठीक है।